Hello students, I am your SS teacher and today we are going to start chapter 6 of history of class 7 and the chapter name is Towns, Traders and Craft Persons. अब यहाँ पर हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे कुछ चैप्टर्स में हम मेडिवल साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं जिसमें चोलास, राजपूत रूलर्स वगैरह के बारे में भी हमने देखा है. उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी जिसमें दिल्ली सल्तनत ने करीब 400 टू 500 ईयर तक रूल किया. उसके बाद मुग़ल रूलर्स आते हैं. अब आगे हमने ये भी देखा था कि जो अलग अलग रूलर्स होते हैं ये वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं और जिसमें भी कंस्ट्रक्शन के कुछ पैटर्न्स होते थे वो भी हमने देखे हैं जिसमें से कुछ चीज़ें आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई थी. और अब इस चैप्टर में हम मेडिवल पीरियड के दरमियान टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे. मेडिवल पीरियड में अलग अलग किंगडम्स डेवलप हो रहे थे जैसे कि हमने चोला एम्पायर में थंजावुर टाउन के बारे में भी देखा था. अब इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ टाउन इन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, पिलग्रिमेज टाउन्स, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट हम जो तीन टाउन्स के बारे में देखने वाले हैं वो है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत. जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स मैंने आपको बताए तीन, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत. यू कैन सी इन दिस मैप के कहाँ पर वो लोकेटेड है. सो इन द मिडिवल पीरियड द रूलर्स एस्टेब्लिश्ड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन दोज टाउन्स. टाउन्स एमर्ज फ्रॉम विलेजेस विच इकोनॉमिकली बेनिफिटेड विथ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एज वेल एज फ्री एंड फेयर ट्रेड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वॉज मोर और लेस स्टेबल. Therefore, the Delhi Sultans, the Mughal emperors, the regional kings and the patrons trade and patrons promoted art and crafts beside trade and commerce. उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स का भी प्रमोट किया, उसको भी आगे बढ़ाया. इब्न बतूता अ मोरक्कन ट्रैवलर गिव एन अकाउंट ऑफ दिल्ली, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद, ढाका एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ड्यूरिंग द मुगल पीरियड आगरा, सूरत, मसूलीपट्टनम, उज्जैन, चित्तागोंग, हुगली एट्सेट्रा वेर अदर सेंटर्स ऑफ ट्रेड. नाउ सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. यहाँ पर हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करें तो जो कैपिटल सिटीज थी कि जिनका प्रभाव या इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था वो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. जैसे हम चैप्टर 2 में भी थंजावुर के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो चोलास का कैपिटल था एज इट वॉज 1000 years ago. यहाँ पे हम इन टाउन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी चलती थी और क्राफ्ट, ट्रेड और कॉमर्स के या तो फिर वर्शिप के लिए बड़े बड़े बाजार्स के लिए थे टाउन्स वेल नोन थे. अब आगे हमने जो थंजावुर की बात की वो बहुत सालों पहले चोला डायनेस्टी का कैपिटल था एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी इन तमिलनाडु. इट वॉज अ बिजी कमर्शियल टाउन विथ मार्केट्स फॉर ग्रेन्स, स्पाइसिस, क्लोथ एंड ज्वेलरी एंड वाटर वॉज सप्लाइड टू इट्स पीपल एंड विजिटर्स फ्रॉम बिग वेल्स एंड टैंक्स. और यहाँ का जो आर्किटेक्चरल पैटर्न था उसमें से बहुत से टेम्पल्स और पैलेसेस इंक्लूडेड थे विथ मंडपास, वी कैन कॉल इट पेवेलियंस दैट वेर यूज बाय किंग्स टू होल्ड कोर्ट्स एंड कैरी आउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स. बट दे वर ऑल्सो यूज एज प्रेयर हॉल्स एंड सम इवन हाउस रिलीजियस डांसिंग एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स. And Tanjore, the capital of Cholas, was a very good example of administrative center among the regional kingdoms. This town was a thriving center of trade and commerce. The weavers of fine cotton and sculptures of bronze images also contributed in the development of these towns. Now see temple towns and pilgrimage centers. Thanjavur is also an example of a temple town. Temple towns represent a very important pattern of urbanization. Temple towns जो है वो urbanization की सबसे important pattern है कि जिस process की वजह से cities develop होती है. Temples were often central to the economy and society. अब जो भी rulers होते थे वो अपनी power दिखाने के लिए temple construct करवाते थे और उनको जो भी देवी देवताओं के
प्रति श्रद्धा होती थी वो दिखाने के लिए टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते थे. रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज. दे ऑल्सो एंडोर्ड टेम्पल्स विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. और यहाँ पर जो पिलग्रिम्स आते थे वो डोनेट भी करते थे. पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस. Temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priest workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. और इस तरह temples के आसपास बहुत लोग settled हुए जिसमें priest workers और व्यापारी भी हुआ करते थे और यहाँ पर जो pilgrims आते थे उनकी ये लोग care किया करते थे. और इस तरह से temple towns grow हुए. Towns emerged around temples such as those of Bilaswanmin and Somnath in Gujarat. Others important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. इसके अलावा भी दूसरे temple towns थे जो Madurai और Kanchipuram जो Tamil Nadu में हैं और Andhra Pradesh में Tirupati. Pilgrimage centers also slowly developed into townships. Vrindavan, Uttar Pradesh and Tiruvannamalai, तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स. पिलग्रिम्स यानी कि जो लोग यहाँ पे देखने आते थे और उनकी वजह से जो पिलग्रिमेज सेंटर्स बने वो स्लोली डेवलप हुए. 12th सेंचुरी में अजमेर चौहान की इसे कैपिटल हुआ करता था एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स. इट प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस. ख्वाजा मोहिदुद्दीन चिश्ती, the celebrated Sufi saint who settled there in the 12th century, attracted devotees from all creeds. और अजमेर के पास एक लेक भी है पुष्कर, which has attracted pilgrims from ancient times. ये लेक ancient times से pilgrims को attract करता है. A network of small towns. Now we will see how was the network of small towns. During the medieval period, many towns emerged. छोटे छोटे टाउन्स का उदय हुआ. सम टाउन्स वर द सीट ऑफ द पावर और पोर्ट फैसिलिटीज और कमर्शियल सेंटर्स वाइल अदर टाउन्स लैक्ड एक्टिविटीज ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस. द फॉर्मर टाउन कैन बी क्लासिफाइड एज बिग टाउन्स वाइल द लेटर एज स्मॉल टाउन्स. वी हैव स्टडीड अबाउट बिग टाउन्स इन दिस चैप्टर अर्लियर. आगे हमने बिग टाउन्स के बारे में देखा था. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्मॉल टाउन्स. नाउ लार्ज टाउन्स यूज्ड टू बी स्मॉल टाउन्स. Small towns used to be large villages and large villages used to be small villages. अब ये जो towns हैं वो over the period of time gradually develop हुए. अब यहाँ पर हम देखें तो जो large villages कैसे बने, मतलब जो बड़े towns थे वो पहले छोटे town थे, उसमें फिर development होता गया और छोटे वो big towns में convert हुए. Now the development of market lead to the creation of small towns. अब जो छोटे towns थे वो आगे जाके कहीं ना कहीं बड़े towns बनते थे. अब जो large villages होते थे यहाँ पर they usually had मंडपिका और मंडी of later times. आज के time पे अगर हम vegetable market जाते हैं तो उसे सब्जी मंडी बोलते हैं. To which nearby villages brought their produce to sell. मतलब जहाँ आसपास के लोग अपना सामान produce बेचने लाते थे, इसकी वजह से कमर्शियली ये एरिया वाइड स्प्रेड हो जाएगा और पैसों की जो लेन देन है वो भी बढ़ेगी. नाउ दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाटा, हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स, लाइंड विद शॉप्स. जो शॉप्स एक ही लाइन में होती थी वो यहाँ पे हाटा कहते थे, जिसे बदलते टाइम के साथ हम हाट कहते हैं. यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सिटी मार्केट. यहाँ पे जो बाजार होता था उसका बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है जो आप देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो. Therefore, streets for different kinds of artisans such as porters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने मिल रहा है, टोडी मेकर्स. मतलब जो लोग alcoholic, मतलब शराब के जो beverages बनाते थे. अब धीरे धीरे शहर develop हो रहा है, अब ये markets में specific artisans की दुकानें लगी हैं जिसमें porters, oil pressers उनकी specific दुकानें होती थी. अब जो ट्रेडर्स थे वो अट्रैक्ट होते थे. मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट कैम्फर, सेफ्रन, बैटल नट एंड स्पाइसेस लाइक पेपर. ये ट्रेडर्स यहाँ पे अपनी अलग अलग प्रोडक्ट सेल करने आते थे जिसमें हाउसेस, सेफ्रन और डिफरेंट
स्पाइसेस होते थे, इसमें कुछ ट्रेडर्स दूर से तो कुछ नज़दीक से आते थे, दे सोल्ड हियर लोकल आर्टिकल्स, जिसमें हमने देखा कि हॉर्सेस सॉल्ट कैम्फर सेफ्रन बैटल नट वगैरह यहाँ पे सेल होता था. नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ सामंता और ज़मींदार इन दिस टाउन्स. इन टाउन्स में सामंता और ज़मींदार का क्या रोल होता था. तो यूजुअली सामंता और इन लेटर टाइम्स ज़मींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स. अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस्ड इंसान के जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है वो सामंत के नाम से जाना जाता था, और इन लेटर टाइम्स मतलब बाद में इन्हें ज़मींदार कहा गया. इन लोगों ने मार्केट के आसपास अपने महल यानी फोर्टिफाइड पैलेसेस बना दिए. दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स आर्टिसंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स. और ये जो राइट्स होते थे वो रिकॉर्ड होते थे. दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे. अब कौन कौन से टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड यू कैन ऑब्जर्व इट योरसेल्फ. और किन चीज़ों पे टैक्स लिए जाते थे. देर वर टैक्सेस इन काइंड शुगर एंड जैगरी डाइस थ्रेड एंड कॉटन ऑन कोकोनट सॉल्ट एरेका नट्स बटर सेसम ऑयल ऑन क्लोथ. ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल. There were many kinds of traders. These included the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed association with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत ट्रेडर्स होते थे कि एक जिसमें बंजारास भी थे जो हम चैप्टर 7 में देखेंगे. इन ट्रेडर्स में स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स होते थे जो हेडमैन के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते थे और वो वॉरियर के बिहाफ पे ये हॉर्सेस खरीदते थे. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. There were several such guilds in South India from the 8th century onwards. Crafts in towns. अभी तक हमने towns और traders के बारे में देख लिया. अब जो हमारे chapter का third main point है वो है craft person. अब हम देखेंगे town में किस किस तरह के craft develop हुए. Now craft person of bidder were famous for bidri. अब ये art form मतलब silver और copper में जो inlay work होता था या वो bidri के नाम से famous था. और communities की बात करें तो उसमें पांचाल्स और विश्वकर्मा community जिसमें gold smith, bronze smith, black smith, mason और carpenters, ये लोग बिल्डिंग या टेम्पल बनाने के लिए एसेंशियल थे. दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस बिग बिल्डिंग्स टैंक्स एंड रिजर्वियर्स. और इसी के साथ वीवर्स की कम्युनिटी जो सलियार और कई कोलर्स के नाम से फेमस हुए वो भी प्रॉस्परस थे कि जिन्होंने टेम्पल्स के लिए डोनेशंस भी किए. सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स. You can see a beautiful shawl border here. A 17th century candle stand brass with black overlay. के जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था. The changing fortune of towns. Some towns like Ahmedabad, Gujarat went on to become major commercial cities, but others like Thanjavur shrank in size and importance over the centuries. ये कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो टाइम के साथ कमर्शियल बेस पे बहुत फेमस हुए, जिसमें अहमदाबाद के साथ मुर्शिदाबाद विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी एंड विच रोज टू प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर सिख्स एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704 एंड इट वॉज डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कंपिटिशन फ्रॉम चिप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड. Now see a closer look Hampi, Masulipatnam and Surat. ये major trading centers थे जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था. इसके बारे में हम नज़दीक से देखेंगे. The architectural splendor of Hampi. Now here we will take about the architectural splendor of Hampi. Hampi is located इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. अब हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पे है कि जो विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस यानी हम उसे एक फॉर्मेट भी कह सकते हैं. विच वॉज फाउंडेड इन 1336 द मैग्निफिशेंट रूइंस एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी. और इसके कंस्ट्रक्शन में कोई भी मोटर या सीमेंट जैसा एजेंट यूज नहीं हुआ था एंड द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टूगेदर बाई इंटरलॉकिंग.
You can see a view of the watchtower through a broken wall of the enclosure of Hampi, which is given here, a fortified city. This is how a Portuguese traveler Domingo Pais described Hampi in the 16th century. Hampi ko well fortified aur bahut hi prosperous city kaha jata hai, ki jisko yahan par ek Portuguese traveler Domingo Pais ne 16th century mein describe kiya tha. At the entrance of the gate where those pass who come from Goa, this king has made within it a very strong city, fortified with walls and towers. These walls are not like those of the other cities. Hampi जो town की हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो walls थी वो दूसरे शहरों की तरह नहीं थी. यहाँ पर walls और towers बहुत ही strong थे, but are made of very strong masonry such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roofs. और ये buildings flat roofs के साथ बनी हुई थी. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव. हम्पी का आर्किटेक्चर सबसे अलग था. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडिड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर हॉल्स विद निशेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स. यहाँ पर जो बिल्डिंग की थी उसका वर्क बहुत ही बारीकी से किया गया था, जिसके डोम्स और पिलर हॉल के जो स्कल्पचर को होल्ड करते थे. दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड orchards and pleasure gardens with sculpture motifs such as the lotus and corbels, and it was in the 15th 16th centuries. Hampi mein us waqt sabse zyada, yani ki hum keh sakte hain ki Hampi commercial aur cultural activities se ubhar raha tha. Muslim merchants, chatties and agents of European traders such as the Portuguese thronged the market of Hampi. Jaisa ki hum aage bhi dekh chuke hain ki European traders were attracted to Indian spices. Temples were the hub of cultural activities, and devadasis means temple dances performed before the deity, royalty and masses in the many pillared halls in the Virupaksha temple. Temples वो cultural activities का hub यानी केंद्र बन गए थे, और यहाँ पर dance भी perform किए जाते थे. और यहाँ का जो most famous festival था वो महानवमी था, कि जो अभी नवरात्रि कहलाता है, और वो हम्पी में celebrate होता था. Archaeologists have found the Mahanavami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. इस platform पर king guest को receive करते थे और उनके subordinate chiefs को श्रद्धांजलि यानी tribute भी देते थे. And from here he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. अब हम्पी को जब डेक्कनी सुल्तान ने हराया 1565 में विजयनगरा, तब से उसके रून होने की शुरुआत हुई. एंड द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बीडर. नाउ सी अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत. सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे, प्रेजेंट डे खम्बात एंड समवॉट लेटर अहमदाबाद. अब यहाँ पर हम सूरत को वेस्ट का गेटवे इसलिए कहते हैं कि जो वेस्टर्न का मोस्ट ऑफ ट्रेड यानी व्यापार था इम्पोरियम का, वो सूरत से कनेक्टेड था. सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट विया द गल्फ ऑफ अरमूज. सूरत को मक्का का गेट भी कहा जाता था, क्योंकि वो पिलग्रिम्स थे, दे मोस्टली सेट शिप्स हियर टू सेल फ्रॉम हियर. The city was cosmopolitan and people of all caste and creeds lived there. सूरत को सर्वदेशी शहर माना जाता था, क्योंकि यहाँ सारे कास्ट और समुदाय के लोग रहते थे. In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicler Ovington, who brought an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at एनी गिवन टाइम. अब क्रॉनिकल मतलब जो सारे रिकॉर्ड रखते हैं, तो ऐसा ही क्रॉनिकलर ओविंगटन, उसने 1869 में ये पोर्ट जो सूरत उसका अकाउंट लिखा. मतलब यहाँ पर आप किसी भी समय पे चले जाओ, कम से कम 100 शिप तो मिल ही जाएगी. There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders, zari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. अब सूरत जो था वो टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था. उसके आसपास महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती थी. इसकी वजह से कॉटन कल्टिवेट होता था और उससे कपड़े बनाए जाते थे.
नाउ सूरज टेक्सटाइल वॉज नॉन फॉर जरी गोल्ड लेस बॉर्डर्स. अब जरी टेक्सटाइल मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसके बॉर्डर एकदम गोल्ड होती थी. दिस टेक्सटाइल यूज टू हैव अ ह्यूज मार्केट इन वेस्ट एशिया एंड यूरोप. अब यहाँ के प्रोविंस ने ट्रेडर्स को जो फैसिलिटीज उसका भी ध्यान रखा था. द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. देर वर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स. यहाँ पे सबका ध्यान रखने के लिए रेस्ट हाउस बना दिए गए. हियर देयरफॉर मनी वॉज एन एसेंशियल इन्ग्रीडियंट. अब यहाँ पर काठियावाड़ सेठ्स यानी महाजन मतलब जो मनी चेंजर्स थे उनके सूरत में बड़े बैंकिंग हाउस थे. इट इज़ नॉट वर्थी दैट द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ केरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम. नाउ सी अ वर्ड हुंडी. सो हुंडी इज अ नॉट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन. द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. This was because of many factors, the loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese and competition from Bombay, present-day Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. 17th century ke end mein सूरत डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई और इसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसमें मार्केट लॉस और प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर और जो सी रूट्स थे उस पर पोर्टुगीज का कंट्रोल एंड शिफ्टिंग ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज हेडक्वार्टर्स इन 1668. बट ऑल्दो सूरत इज अ बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर. फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम. द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर. इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. अब ये पोर्ट मेनली फिश के लिए फेमस था इसलिए इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है. बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्र कोस्ट. मसूलीपट्टनम का जो फोर्ट था वो डच के द्वारा बिल्ड किया गया था बनाया गया था. नाउ सी द कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज्ड रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इन टू हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज. गोलकोंडा के कुतुबशाही रूलर्स ने अपने कुछ मोनोपोलीज लगाई टेक्सटाइल स्पाइसेस और दूसरी ट्रेडिंग की चीज़ों पे. फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स. कुछ व्यापारी संगठनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था जिसमें गोलकोंडा नोबल्स पर्शियन मर्चेंट्स तेलुगु कोमाटी चिटीज और यूरोपियन ट्रेडर्स के जिन्होंने सिटी को पॉपुलर और पॉपुलस बनाया था. एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला हु वॉज ऑल्सो अ मर्चेंट बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड द अदर इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर. इन 1686 to 1687 मुगल एम्पायर औरंगजेब एनेक्स्ट गोलकोंडा. दिस कॉस्ट द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स. इसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्हें नए अल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड. और ये सब ईस्ट इंडिया कंपनीज की पॉलिसीज का हिस्सा था. द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वॉज फेयर शुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स. जैसे ही कंपनी के ट्रेडर्स बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास में मूव हुए मसूलीपट्टनम ने अपने मर्चेंट्स और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही घुमाया एंड डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डिलैपिडेटेड लिटिल टाउन. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज यूरोपियन कंट्रीज वर सर्चिंग फॉर स्पाइसिस एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया. यूरोपियन कंपनीज 16th और 17th सेंचुरी में स्पाइसेस और टेक्सटाइल की सर्च में थी कि जो यूरोप और वेस्ट एशिया दोनों में ही पॉपुलर बने थे. द इंग्लिश डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपांड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज इन द ईस्ट. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड वीरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कॉम्पिटेड विद देम.
और जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रेड रूट का इस्तेमाल करके इंडियन ट्रेडर्स को उनके एजेंट बन के काम करने के लिए फोर्स किया। अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर बन के राइज हुए। The spurt in demand for goods like textile led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people. With more and more people taking them up, Indian textile designs became increasingly refined. However, this period also saw the decline of the independence of craft persons. यहाँ उन लोगों का या क्राफ्ट पर्सन को प्रॉब्लम होने लगी कि जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन्ट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स। इंडिपेंडेंट व्यूवर्स की लिबर्टी जा चुकी थी उनका खुद का क्लोथ सेल करने की या वीविंग की ऑफ देयर ओन पैटर्न्स। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। नाउ सी द 18th सेंचुरी सो द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास विच आर नॉर्दर्न सिटीज टूडे। आज के टाइम में भी ये तीनों सिटीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिनका 18th सेंचुरी में उदय हुआ। Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into black towns established by the European companies. Within these new cities, craft or commerce यानी business के अंदर भी बहुत changes आए, क्योंकि European companies के द्वारा बनाए गए cities में artisans move हुए। The blacks or native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residences of fort सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। वो ब्लैक ट्रेडर्स और नेटिव्स थे वो यहीं रहे, जबकि वाइट रूलर्स ने सुपीरियर रेसिडेंसीज ऑक्यूपाई की मद्रास और कलकत्ता के अंदर। एंड द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। 18th सेंचुरी के अंदर जो क्राफ्ट और कॉमर्स है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यू कैन सी अ बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th सेंचुरी। So we have completed chapter here. Read and revise it once again. Thank you.